हाय गाइस, मैं आमिर इकबाल एक बार फिर आपके सामने एन इंग्लिश एंड सॉफ्टवेयर डिनर फ्रॉम टेकमेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मेरठ। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था सैल्यूटेशंस ग्रीटिंग के बारे में, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था सैल्यूटेशन ग्रीटिंग के बारे में, क्यों करते हैं हम लोग सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स, क्यों करते हैं हम लोग, उसके लिए ज़रूरी है ये जानना। जब आप किसी व्यक्ति को सैल्यूटेशन देते हो, ग्रीटिंग्स देते हो, तो सबसे पहले सामने वाले इंसान पर आपका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी व्यक्ति को जाकर नमस्ते बोलोगे तो सामने वाले समझेगा कि भी हाँ वाकई आप एक संस्कारी इंसान है। दूसरा, सामने वाले को आप ओपन करते हो। जब आप पहली बार किसी इंसान से बात करते हो तो सामने वाले में एक झिझक होती है, एक डर होता है, आपसे बात करना नहीं चाहता। जैसे ही आप उसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हो, ये जो भी आप सैल्यूटेशन देते हो, जैसे ही आप ग्रीटिंग करते हो तो सामने वाला ओपन हो जाता है और आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज़रूरी होता है एक पॉजिटिव इंप्रेशन के लिए और सामने वाले को ओपन करने के लिए कि आप सैल्यूटेशन ग्रीटिंग दें। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, उसी को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। फॉर्मल ग्रीटिंग्स वो ग्रीटिंग्स होते हैं जिसमें हम मैनर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपने बड़ों को अक्सर देते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह की फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं। साथ ही साथ और भी ग्रीटिंग्स हैं, एक बहुत ही ओल्ड फैशन है, अक्सर आप बोलते हैं हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। इसको अमेरिकन लोग मानते हैं हाउ यू से, उसका जवाब देते हैं आई एम गुड एंड यू। अदरवाइज ब्रिटिश लोग हाउ डू डू का मतलब आंसर भी हाउ डू डू से ही देते हैं। तो हाउ डू डू बोलते हो आप, अदरवाइज लोग बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। तो अगर कोई इंसान आपसे बोलता है हाउ आर यू डूइंग, तो आप बोलते हैं आई एम डूइंग गुड या आई एम डूइंग वेल, ठीक है। इसके अलावा सिंपली आपको पता है लोग बोलते हैं आपसे हाउ आर यू, तो अगर कोई इंसान आपसे बोलते हैं हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल, आई एम प्रिटी वेल, आई एम ऑल सेट। तो ये कुछ आंसर्स हैं जो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग बोलते हैं आपसे हाउ हैव यू बीन डूइंग, हाउ हैव यू बीन डूइंग, ये भी एक फॉर्मल ग्रीटिंग है, ठीक है। तो इसको भी आप बोल सकते हैं, जवाब भी बोल सकते हैं आई हैव बीन डूइंग वेल, आप बोलेंगे आई हैव बीन डूइंग वेल। तो ये तो हो गए कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स भी हैं, जिसे सिंपली आप बोलते हैं हाय, ठीक है। तो कोई इंसान अगर आपको बोलता है हाय, तो आप भी बोलते हैं हाय। इसके अलावा कोई इंसान आपको बोलता है ग्रीटिंग्स, तो आप भी बोलते हैं ग्रीटिंग्स। इसके अलावा बहुत ही कॉमन जो आजकल लोग बोलते हैं अक्सर, हे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मीन्स क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज गुड। व्हाट्स ऑन, क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड। व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। अदरवाइज आप बोलते हैं हाउ इज एवरीथिंग, सब कैसा है, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। हाउ आर द थिंग्स, और सब कैसे हैं, हाउ आर द थिंग्स, थिंग्स आर फाइन। व्हाट्स न्यू, और क्या चल रहा है, क्या नया है। तो देखिए आमतौर से कभी भी आप शब्दों में मत फंसेगा, व्हाट्स न्यू का मतलब होता है नया क्या है, लेकिन व्हाट्स न्यू अपने आप में ग्रीटिंग है। तो व्हाट्स न्यू, एवरीथिंग इज गुड। तो ये कुछ इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, पहले हमने पढ़े फॉर्मल ग्रीटिंग्स, अब पढ़े इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। तो आज हम लोगों ने ग्रीटिंग्स को और ज़्यादा पढ़ा, तो होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ना कमेंट्स को नीचे शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड।